जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू ज़िले में पिंक पेट्रोलिंग को और मजबूत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लोगों की सहायता के लिए अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो लेती रहती है और लोगों का कनेक्शन जो है पुलिस के साथ ज़्यादा सरल हो सके, ज़्यादा ईजी हो सके, उसके लिए लगातार इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। वहीं पर महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाए तो लगातार उनके सशक्तिकरण पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अलग अलग स्कीम्स लाई जाती है, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जो है लाए जाते हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि वुमेन सेल गांधीनगर में इस समय मैं मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रही हैं कि किस तरह से पिंक पेट्रोलिंग के लिए आप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर उस जगह पर पहुंच पाएगी जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो नहीं पहुंच पाती है, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी शिकायतों को अब और आसानी से सुना जाएगा और सुनने के साथ साथ उन तक उनकी पहुंच जो है और ज़्यादा सरल जो है होगी, क्योंकि अब सड़कों पर आपको दौड़ती हुई नज़र आएंगी पिंक पेट्रोलिंग को, और यहाँ पर पिंक पेट्रोलिंग होगी जहाँ पर हमारी जो पुलिस कर्मी हैं वो अब आपको जम्मू शहर के अलग अलग स्थानों पर नज़र आएंगी और हर एक जगह पर जो है वो अपनी पहुंच को मजबूत करेंगी ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके। और कहीं ना कहीं महिलाओं की बात की जाए, जो महिलाएं अपने घरों में रहती हैं, जो बाहर आने से शर्माती हैं, कतराती हैं, अब उनके लिए एक मोबाइल नंबर भी जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर मैं आपको बता दूँ, 9906310101। एक बार मैं फिर से नंबर शेयर कर देती हूँ, 9906310101। तो ये नंबर जो है लॉन्च किया गया है, इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी शिकायतें भी जो है वो दर्ज कर सकते हैं। किस तरह से ये जो है पिंक पेट्रोलिंग होगी, क्या कुछ जानकारी है वो लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमारे वर्दी ADGP सर की तरफ से एक इनोवा वैन लॉन्च किया गया था पिंक पेट्रोल के नाम से। जहाँ पे भी फीमेल्स की मेजॉरिटी रहती है वहाँ पे ये वैन जो है एक्टिवली वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं ताकि ई टीजिंग या और भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो है उनको इमिजिएटली रिजॉल्व किया जा सके। अब उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए कल वुमेन सेल में हमारे SPCT नॉर्थ और DYSP हेडक्वार्टर्स की तरफ से 3 2-व्हीलर्स को लॉन्च किया गया है ताकि जहाँ भी ऐसी जगह जहाँ 4-व्हीलर नहीं पहुँच सकता वहाँ इफेक्टिवली ये 2-व्हीलर्स पहुँच के लेडीज़ की हेल्प कर सकते हैं। ये 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं, मॉर्निंग 8 to 3 इन द इवनिंग और उसके बाद 3 to 11। तो उसमें जैसे हमारा परेड कॉलेज, गांधीनगर कॉलेज या बाहू प्लाजा, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जो क्राउडेड रहते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे ये एक्टिवली काम करते हैं। जी, एक हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए लॉन्च किया गया है, दैट इज़ 9906310101। मैं उन लेडीज़ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, आप हमें इन नंबर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए और वुमेन पुलिस इज ऑलवेज एट योर सर्विस। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने। तो जम्मू शहर के अलग अलग स्थानों पर ये पिंक पेट्रोलिंग होगी और महिलाओं तक और ज़्यादा पहुंच जो है वो सरल हो पाएगी। आपको ये इनिशिएटिव किस तरह का लगा है, ये जो पहल की गई है ये कितनी सरल है और कितनी इफ़ेक्टिव है, आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ जो है वो शेयर कीजिएगा कि इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आपको बता दें कि लोगों तक जम्मू कश्मीर पुलिस की पहुंच जो है और आसान होगी और लोग जो है अपनी शिकायतें, खासतौर से महिलाएँ जो है जो नंबर दिए गए हैं उस संपर्क करके अपनी शिकायतें जो है और आसानी से जो है उन पुलिस कर्मियों तक पहुंचा सकते हैं, और उनकी भी कोशिश रहेगी कि वो समय पर वहां पर पहुंच सके और उनकी शिकायतों का निवारण करे। अगली बड़ी लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट श्रवण शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।